हेलो एवरीवन, वेलकम टू बिहार ब्लॉग। जैसा कि आपको मालूम है, आज संडे का दिन है और संडे जो होता है वो हॉलीडे रहता है। तो आज हम प्रोग्राम बनाए कि क्यों नहीं गांव जाके घूमते हैं। आपको मालूम है कि शहर के ब्लॉग में और विलेज के ब्लॉग में बहुत अंतर होता है। तो आज हम सोचे कि हमारा घर तो वैसे सिवान टाउन में पड़ता है, तो आज हम सोचे कि क्यों ना हम साथ मिल के चलते हैं विलेज में कहीं और वहाँ पर जाके दिखाते हैं कि विलेज वाले लोग आके संडे मनाते कैसे हैं। तो मैं यहाँ अकेले नहीं आया हूँ, मैं साथ में बंटी और अशरफ दोनों के साथ मैं यहाँ पे आया हूँ और हम लोग कुछ गांव को देखते हैं कि गांव में आखिर होता क्या है, संडे के दिन एंजॉय कैसे लोग करते हैं, कैसे अपना जो हॉलीडे है, जो वीकेंड है, वो कैसे मनाते हैं। हम लोग अभी हतुआ आए हुए हैं, साथ में मैं अकेले नहीं हूँ, बंटी और अशरफ भाई भी हैं। वो मैं कैमरा बैक करके दिखाता हूँ वो क्या कर रहे हैं। अभी साथ में है, वो फुल इंजॉय कर रहे हैं। वो भी ये रहे हमारे अशरफ भाई और बंटी भाई। तो क्यों, क्या दिमाग में आप लोग आया अचानक से गाँव घूमने का? सही बात है, आपके पीछे का जो बैकग्राउंड है वही देख के ही कम से कम काफी अच्छा लग रहा है। आप देख सकते हो गांव की सबसे बड़ी खूबसूरती जो है वो यही है। अभी भी जो हरियाली आपको गांव में नजर आएगी वो इसके अलावा कहीं आप देख नहीं सकते हैं। और भी हम आपको घुमाते हैं, आगे साथ में लेके चलते हैं, देखते हैं और गाँव के अंदर का क्या क्या सीन होता है, कैसा नजारा रहता है गाँव का। चलते हैं आगे। हम बहुत अलग सा लाइफ होता है, आप कभी जब खुद आप टाउन से आओगे और कभी भी विलेज में अगर आप टाइम बिताओगे, स्पेंड करोगे, तो आप अलग सा फील करोगे। आप देख सकते हो चारों तरफ, मैं आपको दिखा रहा हूँ, पेड़ पौधे हैं, फिर घर हैं, बच्ची है वहाँ बैठ के रो रही है। और आगे मैं लेके चल रहा हूँ आपको, आप देखते रहिए, काफी कुछ आपको यहाँ देखने को मिलता है। और रही बात गांव का, सुबह सुबह में इधर भी निकलने में बहुत मजा है। और पॉल्यूशन नहीं होता, सबसे बड़ी बात जो टाउन में पॉल्यूशन है वो पॉल्यूशन आपको कभी गाँव में नहीं मिलने पड़ेंगे, गाँव में कभी भी नहीं मिलेगा। बहुत फ्रेश रहते हैं यहाँ के लोग, यहाँ का जो आप सामने आप क्या खूबसूरत नजारा है आप देख सकते हैं। किस चीज का खेती है? किस चीज का? अब ये तो मैं गांव का हूँ नहीं भाई, मैं टपू टाउन से हूँ, मैं कैसे बता सकता हूँ। फुल मस्ती करते हुए देख रहे हैं अशरफ और बंटी। तो और बताओ भाई, हाँ बात तो सही है भाई, असल जो नेचर है वो नजर आता है आपको विलेज में आओ तो। हम लोग की तरफ तो कुछ बचा ही नहीं है, बहुत खूबसूरत नजारा है, देख सकते हैं आप। मैं आपको पूरा दिखाता हूँ आपको यहाँ का। ये चीज गांव वाले नहीं सुधरेंगे। हमारे मोदी जी पूरा जान लगा रहे हैं स्वच्छ भारत बनाने के लिए, पर इन लोग का अभी भी नहीं होगा। हर गांव में वो सब बनवा रहे लैट्रिन, पर यहाँ पे लोग मानेंगे नहीं। हाँ ये देख सकते केला है, बनाना प्लांट है। नहीं बनाना प्लांट है, किसी का छोड़ दो, क्या फायदा है। चलते अब आगे, ये सब वही ना सब बनाना। हाँ काफी खूबसूरत है भाई, बीच में जाओ, जाना है तो किसी अब। हाँ बस किसी खेत मत बर्बाद कर देना, अंदर जा रहे हो तो सेफ जाना, थोड़ा सा सांपों देख के, नहीं तो हम छोड़ के चल जाएंगे यहीं पे। ये लोग अंदर जा रहे हैं, कहीं अंदर की तरफ घूमेंगे, मैं भी चल रहा हूँ, मैं क्या करूँगा, मैं भी चल रहा हूँ। वो रास्ता है, मतलब हो सकता है अलग अलग किसी का खेत होगा। काफी खूबसूरत है, कभी भी आप अगर फ्री होते हो ना तो आप जरूर, आपका अगर गांव विलेज में आप रहते हो तो आप इंजॉय करो आके, ये चीज आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं मिल सकता। आप टाउन में आपको कुछ भी प्रोवाइड हो जाए, आप नेचर को नहीं देख सकते हो जब तक आप गांव में नहीं आओगे। ये नेचर आपको विलेज में ही अभी भी मौजूद है, आप देख सकते हो यहाँ पे। और भी बहुत कुछ आपको दिखाऊंगा इस ब्लॉग में। हम लोग यहाँ रास्ता बनाते हुए बाहर निकलने का सोच रहे हैं, हर तरफ जो है वो किसी ना खेत वगैरह किसी किसी चीज का लोग जो है फसल बोए हुए हैं। हाँ बस हम लोग बर्बाद नहीं करेगा, कोई देख ले तो बहुत मारेगा वो, आप देख सकते हो, आपको मालूम होगा कि लोग लगाते हैं कि कोई जानवर जैसे कौवा या कोई बिछड़िया खेत को खराब नहीं करता। ये रहा कल, ये रहा कल।
फ्रेश वाटर, प्यूरिफाई वाटर आप यहाँ से पी सकते हो। और यहाँ पे खेत के मालिक हाँ कब्जा कर रहे हैं खेत पे दोनों। हाँ सही बात है। तो कैसा फील कर रहे हो, सही बताना यार, कैसा फील कर रहे हो तुम लोग? बहुत सुकून है भाई, कसम से बहुत सुकून है। नहीं तो जैसे अगर लॉकडाउन एंजॉय करना है, जैसे गवर्नमेंट अभी लॉकडाउन का बात कर रही है, तो आपका गांव था, गांव में सही बात, सही में एंजॉय कर रहे हैं। तो वाकई हम लोग फुल एंजॉय कर रहे हैं। आज बंद था तो हम सोचे कि क्या, टाउन तो घूमते ही हैं, तो इसीलिए हम सोचे कि आज हम लोग सीधा निकलते हैं किसी गांव में। और गांव में वाकई में आके लग रहा है कि हम अपना टाइम बर्बाद नहीं किए, बहुत सही जगह है, माइंड फ्रेश लग रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये अच्छा है, बच्चे हैं हम लोग, 17 साल 18 साल की उम्र है, क्या कर, तोड़ दिया सब भाई, किसी का था वो बैठने वाला, तोड़ दिया सब, बैठ गया, भाग चलो यहाँ से, जल्दी निकल चलो, आगे चलते हैं, कहीं आगे और भी कुछ होगा, और भी मैं दिखाता हूँ कि गांव के अंदर के जो कैसे लोग लाइफ को एंजॉय करते हैं, बच्चे के और भी लोग हैं, वो कैसे गांव में अपने लाइफ को काटते हैं, वो हम चल के आपको दिखाते हैं। और भी ब्लॉग में आप बने रहें, हम आगे का और भी सीन है। और यहाँ एक बंदर, यहाँ बंदर हमें नजर आया है जो पेड़ पे चढ़ रहा है, वो बंदर का भी मैं दिखाता हूँ आपको बैक करके कैमरा। बंदर केला खाएगा? हाँ देखिए पूरा ट्राई लगा हुआ है। हाँ शहरी बंदर आया गांव में, शहरी बंदर भाई, दूसरे का खेत है, गांव का प्यार और गांव का मार बहुत बुरा होता है भाई। चलो भाई चलो, और आगे देखते हैं, और भी कुछ बहुत कुछ होगा। यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ भी कुछ बोया हुआ है लो, तो उसके लिए अलग से घेर के रखा हुआ है लो। चलते हैं अब आगे, हम लोग दिखाते हैं आगे का भी कुछ सीन है, उसको भी हम लोग और दिखाते हैं लो, विलेज लाइफ को जो है आज हम लोग दिखाएंगे आगे चल के। अब ऐसे निकलने का, हम लोग आगे चल रहे हैं, अब सीधा देखते हैं रोड पे निकलते हैं, यहाँ से रास्ता नजर आ रहा है, हो सकता है कहीं रोड पे जाए, आप बने रहे तब तक। क्या खूबसूरती है, आप फील कर सकते हो आप नेचर को। शहरी बंदर आया गांव में। देख लो यहाँ पे कुछ, देखिए यहाँ पे बच्चे स्कूल से, ठंडे आज स्कूल तो होगा नहीं, बकरी चला रहे हैं, लेकिन ये बकरी नहीं है, जो भी हो यार छोड़ो, क्या करना है यहाँ कुछ पेड़। हाँ पेड़ को कुछ हो सकता है काटा गया हो, वहाँ देख सकते हैं बच्चे जो है, बकरी के बच्चे हैं जो उनको चला रहा है अभी खेत में, अच्छा सीन है आप देख सकते हैं यहाँ पे। मतलब सबका अपना काम रहता है, ऐसा नहीं है कि अगर संडे है तो 10 बजे 11 बजे तक सोए हैं, ऐसा कुछ नहीं है, वो टाइमली जो उन लोग का जो हैबिट है कि जो सुबह सुबह उठ जाते हैं, जो और औरत लोग और भी बड़े बड़े लोग होते हैं, वो क्या होता है सीधा जो खेत में चले जाते हैं, खेत का जो काम होता है उसको पूरा करते हैं, फिर अपने काम में लगे रहते हैं। उन लोग का जो है एक रूटीन जो है, वो शुरू से जो रूटीन चल रहा है उसी रूटीन को अभी भी फॉलो कर रहे हैं, देख सकते हो आप यहाँ पे फुल एंजॉय जो है ये लोग कर रहे हैं। क्या हुआ नाम बाबू तुम्हारा, किस क्लास में पढ़ते हो, किस क्लास में पढ़ते हो? चलो बहुत अच्छी बात है, क्या करने आए हो अभी यहाँ पे? चलो अच्छी बात है, एंजॉय कर रहे हो, मजा कर रहे हो, मस्ती कर रहे हो ना, चलो ठीक है, अच्छा है, पढ़ाई में भी ध्यान दो, देख सकते हैं आगे चलते हैं, हम आगे अब चलते हैं, हम और भी जो सीन है आपको दिखाते हैं, हम किसी को डिस्टर्ब करना सही नहीं, बच्चा थोड़ा घबरा भी गया है। अब हम लोग आगे की तरफ चल दिए, आगे और भी चीज है वो देखते हैं हम लोग क्या है। देखिए ये जो है ना, वो 18 साल से कम का बच्चा डर रहा है हम लोग से, बस बच गया, गिरते तो मंटी यही खत्म हो जाते। तुम देखिए वहाँ रोड है वो, अच्छा अच्छा, और क्या कुछ बताना चाहोगे तुम लोग,
गांव है ना, तुम लोग का घर है ना गांव में कहीं? है। तुम्हारा कहाँ बंटे? सेमरी रहे होगी नहीं कभी जाके? और अशरफ भाई आपका? खालिसपुर। वहाँ रहे आप? टाउन से फुर्सत नहीं मिलता है, क्या मिलता है सिवान में? क्यों गांव में नहीं हो सकता ये चीज? है लेकिन उतना नहीं हाई लेवल। बनवा दें? बनवा दीजिए, अभी रहने लगे। बनवा दें? ठीक है बनवा देते हैं। रह लो ना गांव में, क्या प्रॉब्लम है तुमको? अरे रहने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोगों को चाहिए परमानेंट सर्टिफिकेट रहने के लिए, क्योंकि आप लोग का धंधा जो है ना ट्यूशन का ठप हो जाएगा। सही है, तो हमें आप लोगों को बता दो कि हम लोग का क्लासेस चलता है मतलब सिवान में, तो 12 तक जो है वो क्लासेस चलता है वहीं पे, इसलिए हम लोग को टाइम मिलता नहीं है। ऐसा नहीं कि हम लोग बस यूट्यूब जो है वो बस फन के लिए, और कुछ है नहीं, ऐसे हम लोग बस अपना काम है हम लोग करते हैं। ये लोग बर्बाद हो जाएगा जहाँ ट्यूशन बंद हुआ ना, लॉकडाउन लगा हो गया भाई, लॉकडाउन हो गया, अब कैसे बर्बाद हो गए? दुआ कीजिए लोग के और थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा टाइम होता है उसको हम लोग थोड़ा सा बस इंजॉय के लिए यूज करते हैं, बाकी कोई दूसरा बात नहीं है यूट्यूब से। हमको कहा है कहीं पे भी चले जाएंगे, हो गया अपना बात हट के, हम जो काम के लिए आए थे वो काम करते हैं। आपको कैमरा बैक करके दिखाते हैं, यहाँ का जो सीन है वो दिखाते हैं। कीचड़, ये गंदगी का मैटर तो कहीं भी सॉल्व नहीं, हर जगह प्रॉब्लम है ये सब। सब जानवर लोग रखते हैं यहाँ पे, गाय बकरी हर घर में आपको नजर आएगा। सारा काम यहाँ खुद पे खुद से ही लोग करते हैं जो भी करना हो। और ये रहा शेर का बच्चा, शेर का बच्चा है ना, शेर का ही एक बच्चा हर गांव में मिलेगा आपको, हर गांव में, हर गांव में, हर घर में आपको मिलेगा। हर गांव में लोग गाय को खुद से करते हैं, खुद से खिलाना है पिलाना है, हर कुछ फ्रेश है, खेती जो है वो खुद से करते हैं, जो होता है उसको खाते हैं, सब फ्रेश, मतलब जो भी चीज है वो फ्रेश और नेचर से, नेचर के थ्रू ये लोग उसको यूज में लाते हैं। ऐसा नहीं है मार्केट पे डिपेंड ये नहीं है कि मार्केट में कुछ चीज आया तो ये लोग लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ बच्चे जो हैं वो खेल रहे हैं, आए हर जगह गाय, ये सवारी का ढोरा है, शांति है बस। भाई बहन का प्यार, सब पास पर हो गए यहाँ पे। एक खोपड़ी रहने का घर, यहाँ खेती चल रहा है, लग रहा है कि क्या नाम है, धान, धान कटा रहा है, धान पर धान कटा रहा है, धान। चलते हैं आप आगे, यही गांव है भाई, देख सकते हो आप, हम यही हैं अभी, इसी गांव में अभी हम आए हुए हैं, हतुआ राज। बच्चे खेल रहे बैडमिंटन, तो रास्ता इतना छोटा है कि वीडियो करने में प्रॉब्लम हो रहा है, कोई आएगा मार के निकल जाएगा हम लोग। क्या है भाई, धान कटा था क्या इससे? अच्छा धान इससे कटा था, देख सकते हैं आप लोग, छोटे छोटे धान। तो यहाँ पे हम जो है पहला ब्लॉग जो है उसको हम खत्म करते हैं, क्योंकि बहुत लंबा हो चुका है, 14 मिनट यही हो गया, तो इसको हम पार्ट वाइज बनाएंगे। अभी हम लोग फुल एंजॉय करना है संडे, अभी हम मार्केट भी जाएंगे, मार्केट का भी सोच रहे हैं ब्लॉग बनाए। अभी जो हम लोग ब्लॉग बना रहे हैं वो समझिए पूरा हतुआ का ब्लॉग बना रहे हैं, हतुआ के अंदर जो भी चीज़ हम कवर करना है उसको कर रहे हैं। तो ये पहला ब्लॉग जो है, पहला पार्ट जो है हम यहाँ ख़त्म करते हैं, अगला पार्ट में बाकी और जो सीन है उसको हम लोग यहाँ करेंगे, फिर मार्केट भी जाएंगे, मार्केट का भी ब्लॉग बनाएंगे। तब तक आप चैनल पर बने रहें, तब तक के लिए बाय बाय।